खूबसूरत सिंगर से मिलने पहुंचा क्रिकेटर, अचानक पति ने ठोका दरवाजा, दूसरी मंजिल से लगाई छलांग और तबाह हो गई जिंदगी। तो बनी रहिए इस वीडियो के अंत तक, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ईशा गर्ग, और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। मशहूर सिंगर की गायकी ही नहीं, उनकी खूबसूरती की भी कई हस्तियां दीवानी थी। पाकिस्तान के एक रंगीन मिजाज क्रिकेटर ने उनके प्यार में पड़कर अपनी जिंदगी ही तबाह कर ली थी। वो एक बार जब चोरी छिपी सिंगर से मिलने उनके घर पहुंचे तो अचानक दरवाजे पर उनके पति ने दस्तक दी। क्रिकेटर नजर मोहम्मद ने खुद को घिरा पाया तो दूसरी मंजिल से ही छलांग लगा दी। नतीजन क्रिकेटर का करियर भी तबाह हो गया। सिंगर नूरजहां अपनी सुरीली आवाज के साथ साथ अपने दिलफेक अंदाज के लिए भी बेहद मशहूर थी। खूबसूरत मर्दों के साथ उनके अफेयर के किस्से भी काफी ज्यादा मशहूर थे। नूरजहां की खूबसूरती पर एक्टर क्रिकेटर से लेकर तानाशाह भी जान छिड़कते थे। नूरजहां के प्यार में एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने करियर के साथ साथ अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी थी। नूरजहां उर्दू और हिंदी फिल्म की सुप्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री थी, जिन्होंने अपनी दिलकश आवाज और अभिनय से लगभग 4 दशक तक श्रोताओं के दिल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। दोस्तों, नूरजहां का जन्म 21 सितंबर 1926 को पंजाब के एक छोटे से शहर कसूर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम अल्लावासी उर्फ नूरजहां रखा गया। कहते हैं कि जन्म के समय उनके रोने की आवाज़ सुन उनकी बुआ ने कहा था कि इस बच्ची के रोने में भी संगीत की लय है, यह आगे चलकर प्लेबैक सिंगर बनेगी। नूरजहां के माता पिता थिएटर में काम करती थी, उनकी रुचि संगीत में भी थी। घर का माहौल संगीत में होने के कारण नूरजहां का रुझान भी संगीत की ओर हो गया और वो गायिका बनने के सपने देखने लगी। उनकी माता ने नूरजहां के मन में संगीत के प्रति बढ़ते रुझान को पहचान लिया और उन्हें इस राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया तथा उनके लिए संगीत सीखने की व्यवस्था घर पर ही कर दी। नूरजहां ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा कज्जनबाई और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद गुलाम मोहम्मद तथा उस्ताद बड़े गुलाम अली खां से ली थी। वर्ष 1947 में भारत विभाजन के बाद नूरजहां ने पाकिस्तान जाने का निश्चय कर लिया। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार ने जब नूरजहां से भारत में ही रहने की पेशकश की तो नूरजहां ने कहा कि मैं जहां पैदा हुई हूं मैं वहीं जाऊंगी। बंद कलियों ने सुना, मस्त बहारों ने सुना। 1963 में उन्होंने अभिनय की दुनिया को अलविदा कह दिया। वर्ष 1982 में इंडिया टॉकी के गोल्डन जुबली समारोह में उन्हें भारत आने का न्योता मिला। तब श्रोताओं की मांग पर नूरजहां ने आवाज दे कहा है दुनिया मेरी जवां है गीत पेश किया। और उनके दर्द को हर दिल ने महसूस किया। 1992 में उन्होंने संगीत की दुनिया को भी अलविदा कह दिया। 23 सितंबर 2000 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उस समय वो 64 साल की थी। वर्ष 1930 में नूरजहां को इंडियन पिक्चर के बैनर तले बने एक मूक फिल्म हिंद के तारे में काम करने का मौका मिला। इसके कुछ समय के बाद उनका परिवार पंजाब से कोलकाता चला आया। इस दौरान उन्हें करीब 11 मूक फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। वर्ष 1931 तक नूरजहां ने बतौर बाल कलाकार अपनी पहचान बना ली थी। वर्ष 1932 में प्रदर्शित फिल्म शशि पुनु नूरजहां के सीने करियर के पहली टॉकी फिल्म थी। इस दौरान उन्होंने कोहिनूर यूनाइटेड आर्टिस्ट के बैनर तले बनी कुछ फिल्मों में भी काम किया। कोलकाता में उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता पंचोली से हुई। पंचोली को नूरजहां में फिल्म इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने उसे अपनी नई फिल्म गुल ए बकावली के लिए चुन लिया। इस फिल्म के लिए नूरजहां ने अपना पहला गाना साला जवानिया माने और पिंजरे दे विच
रिकॉर्ड कराए। लगभग 3 वर्ष तक कोलकाता रहने के बाद नूरजहां वापस लाहौर चली गई। वहां उनकी मुलाकात मशहूर संगीतकार जीएच चिश्ती से हुई, जो स्टेज प्रोग्राम में संगीत दिया करते थे। उन्होंने नूरजहां से स्टेज पर गाने की पेशकश की, जिसके एवज में उन्होंने नूरजहां को प्रति गाने 7.5 आने। 7.5 आने उन दिनों अच्छी खासी रकम मानी जाती थी। वर्ष 1939 में निर्मित पंचोली की संगीतमय फिल्म गुल ए बकावली की सफलता के बाद नूरजहां फिल्म इंडस्ट्री में सुर्खियों में आ गई। इसके बाद वर्ष 1942 में पंचोली की ही निर्मित फिल्म खानदान की सफलता के बाद वह बतौर अभिनेत्री फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गई। फिल्म खानदान में उन पर फिल्माया गाना कौन सी बदली में मेरा चांद है आजा श्रोताओं के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय भी हुआ। इसके बाद वो मुंबई आ गई। नूरजहां अपनी आवाज में नए प्रयोग भी किया करती थी। अपनी इन खूबियों की वजह से वह ठुमरी गायकी की महारानी कहलाने लगी। इस दौरान उनकी दुहाई 1943, दोस्त 1944, बड़ी माँ और विलेज गर्ल 1945 जैसी कामयाब फिल्में प्रदर्शित हुई। इन फिल्मों में उनकी आवाज का जादू श्रोताओं के सर चढ़कर बोला। इस तरह नूरजहां मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में मलिका ए तरन्नुम कही जाने लगी। वर्ष 1945 में नूरजहां की एक और फिल्म जीतन भी प्रदर्शित हुई। इस फिल्म का एक कवाली आही न भरी शिकवे न किए कुछ भी न जवां से काम लिए श्रोताओं के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। नूरजहां को निर्माता निर्देशक महबूब खान की 1946 में प्रदर्शित फिल्म अनमोल खड़ी में काम करने का मौका भी मिला। 1947 में विभाजन के बाद वो पाकिस्तान चली गई, किंतु अपना फिल्मी करियर उन्होंने जारी रखा। लगभग 3 वर्ष तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में खुद को स्थापित करने के बाद नूरजहां ने फिल्म चैनवी का निर्माण और निर्देशन किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी कमाई की। इसके बाद 1992 में प्रदर्शित फिल्म दुपट्टा ने फिल्म चैनवी के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इस फिल्म में नूरजहां की आवाज से सजे गीत श्रोताओं के बीच इस कदर लोकप्रिय हुए कि ना सिर्फ इसने पाकिस्तान में बल्कि पूरे भारत में भी इसने धूम मचा दी। ऑल इंडिया रेडियो से लेकर रेडियो सिलोन पर नूरजहां की आवाज का जादू श्रोताओं के सर चढ़कर बोला। इस बीच नूरजहां ने गुलनार 1953, फतेह खान 1955, लगती जिगर 1956, इंतजार 1956, अनारकली 1958, परदेसिया 1959, कोयल 1959 और मिर्जा गालिम 1961 जैसी फिल्मों में अभिनय से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वर्ष 1963 में उन्होंने अभिनय की दुनिया से विदाई ले ली। वर्ष 1996 में नूरजहां आवाज की दुनिया से भी जुदा हो गई। वर्ष 1996 में प्रदर्शित एक पंजाबी फिल्म सखी बादशाह में नूरजहां ने अपना अंतिम गाना किदम दा भरोसा गाया। उन्होंने अपने संपूर्ण फिल्मी करियर में लगभग 10,000 गाने गाए। हिंदी फिल्मों के अलावा नूरजहां ने पंजाबी, उर्दू और सिंधी फिल्मों में भी अपनी आवाज से श्रोताओं को बहुत ज्यादा मदहोश किया है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी किस्से के बारे में बताऊंगी जिसको सुनने के लिए आप भी बेकरार होंगे। नूरजहां और पाकिस्तानी क्रिकेटर नजर मोहम्मद के प्यार का एक किस्सा आज भी बेहद मशहूर है। दोनों की प्रेम कहानी का ट्विस्ट ये था कि नूरजहां शादीशुदा थी। सिंगर की पहली शादी जब कामयाब नहीं रही तो उन्होंने 9 साल छोटे एक्टर एजाज दुरानी से निकाह कर लिया था, मगर इस बीच उनकी आंखें नजर मोहम्मद से टकरा गई। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। नजर मोहम्मद एक दिन नूरजहां के साथ उनके कमरे में बैठे थे। अचानक वहां सिंगर के पति पहुंचे। दोनों के रिश्ते की पोल खुलती उससे पहले ही नजर मोहम्मद ने दूसरी मंजिल पर मौजूद उस कमरे से छलांग लगा दी। क्रिकेटर के हाथ में गहरी चोट आई। नजर मोहम्मद ने चोरी छिपे पहलवान को बुलाकर अपना हाथ ठीक करवाया, मगर स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ गई।
क्रिकेटर का हाथ पहले की तरह नहीं हो पाया, जिससे उनके क्रिकेट करियर का भी अंत हो गया। दोस्तों आपको बता दूं कि नूरजहां के अफेयर का ये किस्सा आज भी बेहद मशहूर है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।